हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फ्लोर के साथ पेंटागन। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हुए पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ये लाइन ही मैंने इसलिए लिखी कि आप लोगों को पता चले कि अगर आप इस क्वेश्चन में 20 मिनट भी इन्वेस्ट करते हो तो आपने 10 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। 10 मार्क्स मीन्स मिलाना बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सीरियसली कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो को अभी पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। हिंट मैंने दे ही दिया, हिंट ही इस क्वेश्चन के लिए इतना है कि दो वर्ड को आपको बहुत फोकस करना है। वो दो वर्ड कौन से, अब अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप देखो समझो, दो वर्ड वो कौन से हैं। दो वर्ड ये हैं, एक सिट्स और एक लिव, और एक लिव। बस इन दो वर्ड्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, काफी विजिबल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। कहता क्या है कि 10 पर्सन्स हैं जो कि आपके 10 फ्लोर पे रहते हैं, मार्क 1 to 10 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो मैंने क्या किया कि मैं मार्क कर लेता हूं, लिख लेता हूं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी पॉसिबिलिटीज के लिए मैंने लंबी लाइन खींच दी कि जितनी भी पॉसिबल केस मेरे पास आएंगे मैं यहां लेता जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे किसी को। एक सेकेंड रुक जाइए कि ये ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे देखो, दे ऑल्सो ले सेट्स इन पेंटागन टेबल। तो मैं एक पेंटागन भी बना ही लेता हूं। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं एक ही क्वेश्चन डायग्राम बना रहा हूं। आप लोग डिफरेंट दो केस लेकर चल सकते हो, 2 से 3 केस। ठीक, तो मैं पेंटागन बना दूं जिसकी 5 भुजाएं हो, ऐसे ऐसे और इस तरीके से मैंने पेंटागन बना, जिसमें क्या बोला है, 1 पर्सन सिट्स ऑन एज वाइल 1 पर्सन सिट्स ऑन कॉर्नर। कॉर्नर पे 1, 2, सॉरी 3, 4 और 5, और एज पे 1, 2, 3, 4, 5, पूरे 10 लोग हो गए। कहता है पर्सन जो कि कॉर्नर पे है अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आउटसाइड देख रहा है, आउटसाइड आउटसाइड और आउटसाइड। जो पर्सन एज पे बैठे हैं वो इनसाइड इनसाइड इनसाइड। ये सिर्फ हमसे स्ट्रक्चर इतना बनवाया, टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इतना। अब जो कह रहा है वो यहां से कह रहा है, अब समझो जब भी सिट्स की बात आएगी कि 2 पर्सन सिट्स, तो मैं किस तरीके से करूंगा, हॉरिजेंटल में रिप्रेजेंट करूंगा। अगर कोई भी पॉइंट हॉरिजेंटल आपको दिख रहा है, हॉरिजेंटल नोटेशन में दिख रहा है, तो समझ जाना वो पेंटागन में सिटिंग की बात हो रही है। अगर कोई पॉइंट मैंने वर्टिकल में लिखा है तो समझ जाना वो पॉइंट मेरा फ्लोर से है। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अगर ये दोनों चीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके एग्जाम में दिखती हैं तो। ठीक है, जैसे कि यहां पे बोला 2 पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड जे, तो मुझे नहीं मालूम, अभी सिर्फ पॉइंट्स को लिखना है मेरा काम है। तो मैंने क्या किया कि 2 सिट्स पर्सन है तो के और जे, तो मैंने लिख दिया के। ठीक है, 1, 2 और J, क्लियर है, ये चीज क्लियर है, इस तरीके से लिख दिया। आगे क्या कहता है, आई लिव्स 3 फ्लोर बिलो H। तो कहता है कि H के 3 फ्लोर बिलो, मतलब 1, 2 का गैप देख के आई आएगा और H के नीचे ही होगा। आगे कहता है द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो कह रहा कि के जो सेकेंड लेफ्ट में होगा वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे रहेगा। लोअर मोस्ट, लोअर मोस्ट, लोअर मोस्ट फ्लोर का कहने का मतलब हो गया कि फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। कौन जो के सेकेंड लेफ्ट में होगा, अगर मान लो के यहां है तो सेकेंड लेफ्ट में ये वाला पर्सन जो होगा वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, लोअर मोस्ट फ्लोर पे होगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं एट मोस्ट 4 पर्सन लिव अबव एच, तो बहुत से केसेस बन गए। अब ये कह रहे हैं कि एच के ऊपर कितने, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूं 4 फ्लोर, मतलब आपके एच यहां पे भी हो सकता है, एच यहां पे, यहां पे, यहां पे, 3 लोगों के चौथा यहां पे। बस अगर हम 5वें पे कहीं एच को बैठाना चाहे तो हमारे लिए अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एट मोस्ट बोला दिया है, मतलब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं एच के ऊपर, बट मैक्सिमम 4 बताया हुआ है। आगे क्या कहता है कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, कह रहा कि
एफ के थर्ड लेफ्ट में, एफ के थर्ड लेफ्ट में बी होगा, तो एफ के थर्ड लेफ्ट में मतलब 1 2 करके बी हो जाएगा, एफ के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में। हु डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू जे, दैट मीन्स एफ और जे सिट्स नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के एडजेसेंट में, तो इसको ऐसे करके मैंने नेगेटिव पॉइंट था इस तरीके से इसमें डाल दिया। सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, सी रह रहा है मेरा इवन पे, मुझे इतना पता चल गया। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं सी के लिए, या तो वो 10 होगा, या तो 8 होगा, या 6 होगा, या 4 होगा, या 2 होगा, अपना इनमें से और कोई नहीं हो सकते क्योंकि इवन तो मेरे पास यही है। कहता है क्या कि एफ लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव बी, ये याद रखना कि जो एफ के ऊपर ही कहीं ना कहीं, सॉरी बी के कहीं ना कहीं ऊपर एफ है। कहता है एफ लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव बी, बी के नीचे नहीं होना चाहिए, बी के ऊपर कहीं ना कहीं इमीडिएट में भी हो सकता है, 2 का गैप हो सकता है, 3 का गैप के बाद हमारा एफ आएगा, बट बी के ऊपर ही होगा। आगे कहता है नंबर ऑफ पर्सन बिलो के इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन अबव एच, तो के नीचे जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो किस पे डिपेंड है, जब हम नंबर ऑफ पर्सन एच के ऊपर कितने हैं उसमें से माइनस कर दें नंबर ऑफ पर्सन 1। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे निकालना है के नीचे कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो हम ये पता लगाएंगे पहले कि एच के ऊपर कितने नंबर पर, उसमें से -1 कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है जे डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड एडजेसेंट टू एच, तो जे और एच तो एडजेसेंट में ही रह रहे हैं। आगे कहते हैं जे डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो जे किस पे जाएगा भाई, जे मेरा जाएगा इवन फ्लोर पे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। समझ में आ रहा है क्या केस हो रहा है यहां पे। आगे कहता है बी सिट्स एडजेसेंट टू के, फिर से सिट्स की बात हो रही है, तो बी और के आपके एडजेसेंट में आने चाहिए। आगे देखते हैं कि क्या है, द वन वह हु लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम सी। समझ में आया, कह रहा कि जो सी है उसके बीच में 1 2 3 का गैप देने के बाद जो टॉप मोस्ट फ्लोर पे आएगा, टॉप मोस्ट पे वो आएगा, ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे जो आएगा वो आना चाहिए सिटिंग में, मतलब इसमें, इस वाले डायग्राम। जी कहता है ना तो एडजेसेंट फ्लोर ऑफ सी होता है, तो जी और सी हमारे एक साथ नहीं होने चाहिए। नॉट लिव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एफ, मतलब जी की ही बात हो रही है, एफ के एडजेसेंट फ्लोर में नहीं आने चाहिए। यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है। आगे देखो क्या कहता है कि सी लिव्स 3 फ्लोर अवे फ्रॉम बी हु नाइदर लिव्स एडजेसेंट टू के, हु नाइदर लिव्स, तो बी और के एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए, कहां फ्लोर में, क्योंकि लिव्स की बात हो गई ना, बी हु नाइदर लिव्स एडजेसेंट टू के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेकिन उससे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि सी लिव्स 3 फ्लोर अवे फ्रॉम बी, ये नहीं बोला है अबव डाउन अवे, तो सी और बी के बीच में 2 फ्लोर होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कौन ऊपर कौन नीचे, कौन ऊपर कौन नीचे। आगे कहता जी एंड बी सिट्स फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब ये हो गया कि जी अगर स्लैश बी हमारे क्या है, फेसिंग अपोजिट है, मतलब फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बताते हैं, रुक जाइए। अगर जी मेरा इनसाइड तो बी मेरा आउटसाइड, अगर मेरा जी आउटसाइड तो बी मेरा इनसाइड, ठीक है। जी एंड बी सिट्स फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, जी सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के 4th लेफ्ट में 1 2 3 चौथे नंबर पे जी होगा, और ये हो जाएगा जी सिट्स 4th टू द लेफ्ट, 4th लेफ्ट, ओके। ई हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू एफ, हु नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू एफ, तो अगेन ई और एफ मेरे एक साथ नहीं हो सकते। नॉर्थ एडजेसेंट टू जे, और ई और जे मेरे एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आगे 4 लाइन बोली लास्ट की कि नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन जी एंड आई, अब यहां इंपॉर्टेंट लाइन है, तो क्या नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जी कॉमा आई इक्वल्स टू क्या,
इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एफ एंड जे. तो एफ एंड जे, अच्छा ये मैंने हॉरिजेंटल लिखा तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने हॉरिजेंटल में, तो आपने बताया था हम पेंटागन में लिख रहे हैं, मतलब सिटिंग की अरेंजमेंट हो रही है. बट मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि ये फ्लोर की बात हो रही है, यहाँ पे फ्लोर की बात हो रही है कि जी और आई के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्लोर मेरे एफ और जे के बीच में है. द वन हु लिव्स जस्ट बिलो एफ फ्लोर, एफ के एफ्स फ्लोर, एफ्स फ्लोर, एफ्स फ्लोर बिलो, एफ्स फ्लोर बिलो थर्ड टू द एफ्स थर्ड, द वन हु लिव्स जस्ट बिलो एफ्स फ्लोर सेज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, दैट मीन्स वन टू का गैप देखिए एच, और ये वाला पर्सन जो है थर्ड लेफ्ट में है, वन टू थ्री थर्ड लेफ्ट में. आगे कहता है ना तो आई नॉर डी एडजेसेंट टू सी, तो उसको मैं दूसरा कलर से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सारे पॉइंट आपने मिक्स कर दिए. तो कह रहा आई और डी, आई वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, आई नॉर सी डी सिट्स एडजेसेंट टू सी, तो आई और डी नहीं होंगे और आई और सी कभी भी एक दूसरे के साथ सिटिंग नहीं करेंगे. मतलब आई अगर यहां है तो डी यहां नहीं होगा, डी यहां नहीं होगा, और आई अगर यहां है तो सी यहां नहीं होगा, सी यहां नहीं होगा. वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी हु सिट्स फेसिंग आउटसाइड द सेंटर हु डज नॉट फेसेस द सेंटर, मतलब बताया कि बी और डी है जिसमें से डी जो है डज नॉट, हु डज नॉट फेस सेंटर आउटसाइड देखेगा, तो डी हमारा आउटसाइड देखेगा. बस अब इन दोनों में एक्सचेंज हो सकती है पोजीशन. बस ये मैंने अपना क्वेश्चन रीड किया है और अब मैं अपने क्वेश्चन को इसको अप्रोच करूंगा. तो आपको बस वो देखनी कि सर ने पूरा पॉइंट तो लिख दिया, अभी तक कुछ बताया भी नहीं, कुछ ऐसा चीज तो बताई नहीं मैंने अनोखी सी, तो वो अनोखी चीज क्या है उसको पता करने के लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है चलो अब देखते हैं कहां किस पॉइंट से हम स्टार्ट करें. यहां तक सबको समझ में आ जाओ कि सर ने कुछ नहीं किया, बस सर ने पॉइंट्स में नोट किया और दोबारा सर दोबारा रीड नहीं करेंगे. ठीक है ना चलो उसके बाद देखो मैं किस पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूं, क्या अप्रोच लेके चल रहा हूं समझो. मुझे अभी कोई फिक्स्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कहीं, तो मैंने उस चीज को वैसी सिचुएशन को बनाना चाहा. मैंने देखा कि भैया बी और डी के बीच में, मैंने देखा बी और डी के बीच में वन पर्सन रह रहा है. ठीक, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी. ये दोनों एक्सचेंज कर सकते थे पोजीशन, लेकिन बताया कि डी हु डज नॉट फेसेस द सेंटर, मतलब डी आउटसाइड देख रहा है. तो एक बार आप एक बार इमेजिन करके देखो, डी यहां रखेंगे हम मान लो, तो एक का गैप देके बी यहां आएगा, या तो एक का गैप देके बी, हर हाल में किसी भी केसेस में देख लेंगे बी मेरा कहां देखेगा, बी मेरा देखेगा कहां पे, बी मेरा देखेगा आउटसाइड. तो ये बात तो मुझे पता चल गई कि यहां से बी भी मेरा आउटसाइड देख रहा है. जैसे ही पता चला बी मेरा आउटसाइड देख रहा है, अगर मेरा बी आउटसाइड देख रहा है तो मेरा जी कहां देखेगा, ऑफकोर्स इनसाइड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज थी. तो अब हम चाहे इनसाइड में यहां बैठा दे, 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 कहीं पे भी बैठा दे, मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने जी को यहां फिक्स कर दिया, दिया नहीं था फिक्स पॉइंट, मैंने निकाला ये फिक्स पॉइंट. किस तरीके से निकाला ये चीज आपको सीखनी है यहां पे. ठीक है, मैंने जी को लिखते ही मैंने, मेरी निगाहें किस पे जाएंगी, जी से रिलेटेड पॉइंट पे मेरी निगाह इस पे गई. ठीक है, ठीक, ई के फोर्थ लेफ्ट में जी को बैठाना था, तो एक दो तीन का गैप देके ई यहीं आएगा और कहीं, ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं दे रखा था, ये मैंने निकाला फिक्स्ड पॉइंट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सब समझ रहे हो. ये पॉइंट दिया हुआ नहीं था गाइस, लेकिन निकाला है. कैसे निकाला है समझो, है ना. उसके बाद ठीक है, ई और एफ और ई और जे एक दूसरे के नेबर में नहीं बैठनी चाहिए. मतलब अगर ई ये है तो एफ मेरा बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा, एफ मेरा बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा, जे मेरा बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा, जे मेरा बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे. समझ रहे हो, E और F एक साथ नहीं बैठ सकते थे. ठीक है, नहीं बैठा लेंगे, घबराओ नहीं, नहीं बैठा लेंगे, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ की पॉइंट्स. लेकिन G और E तो मुझे फिक्स्ड पता चल गया है कि ये चीज़ ऐसी होनी है. ठीक है ना, आगे देखते हैं कि क्या होता है. F के थर्ड लेफ्ट में मुझे B को बैठाना है, F के थर्ड लेफ्ट में B को बैठाना है. ये बात तो पता है कि F मेरा इधर नहीं आ सकता, ये बात पता है मेरा को एफ यहां नहीं आ सकता, ये बात पता थी. एफ
को बैठा लेंगे और थर्ड लेफ्ट में मुझे बी को बैठाना है, ठीक है ना? अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं एफ को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, एफ को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं ये देखते हैं। तो चलो एफ को अगर हम यहाँ सोचे होते तो यहाँ आ सकता है एफ, बिल्कुल 1 2 3, बी और ई एक दूसरे के एडजेसेंट में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एफ मेरा एक पॉइंट ये मिलता है मेरे लिए कि एफ मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, और एफ अगर यहाँ रखा तो एफ के थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3 यहाँ आना चाहिए, एफ को यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते। देखना एफ तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये तो हमको बातें दी हुई थी, पर ये वाली बात कि हम एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते थे क्योंकि थर्ड लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फेसिंग आउटसाइड रखें तो 1 2 3 यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। एफ यहाँ रखें, सॉरी एफ यहाँ रखें तो थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, तो बी और ई एक दूसरे की एडजेसेंट में हो जाएंगे, जो कि हो सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी, कहीं बोला भी नहीं था। तो मेरा एफ यहाँ भी आ सकता है, कैसे समझो पहले यहाँ पे, एफ अगर यहाँ सोचे होते तो थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये बी यहाँ आता, ठीक है चलो एफ यहाँ पे भी आ सकता था, इतने केसेस बन रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, बी यहाँ रखे होते तो 1 2 3, बी सॉरी एफ यहाँ रखे होते तो एफ यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा एफ यहाँ रखे होते तो 1 2 3 बी यहाँ आता, बी और जी एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते थे, कहीं बोला हुआ है कहीं कि नहीं हो सकते ऐसा कुछ, कहीं ये तो पॉइंट ऐसा नहीं बोला हुआ था, तो एफ यहाँ लिख सकते थे। महसूस ये हो गया कि ठीक है भाई एफ यहाँ नहीं आता, एफ यहाँ नहीं आता, एफ यहाँ नहीं आता, एफ यहाँ नहीं आता, 1 2 3 4 केसेस बनाओगे क्या? नहीं ना, तो कोई हमको पॉइंट देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम चले, कि मुझे एफ की कोई फिक्स्ड पोजीशन मिल जाए या एक या दो पॉसिबिलिटी हम काट सके, कुछ हमको ऐसी चीज़ें लेते हुए चलनी पड़ेंगी, वो हमको देखना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो मैंने एफ को यहाँ रखा, सुनते रहना आप, यहाँ कलर चेंज करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हिसाब से हम चलेंगे। कि मान लो मैंने एफ को यहाँ रखा, एफ से रिलेटेड क्या पॉइंट था, थर्ड लेफ्ट में बी फेसिंग इनसाइड 1 2 3, बी यहाँ आ जाता, पर लिखते ही बी और के एक दूसरे के एडजेसेंट में सिट कर रहे हैं, हॉरिजेंटली लिखा है ना, वर्टिकल नहीं लिखा, बी है तो के तो आ नहीं सकता, के लिखते ही के और जे के बीच में दो पर्सन थे, के एक, सुनते रहना, एक दो, जे और ई एक दूसरे के नेबर में नहीं होंगे, यहां लिखा था एक दो, जे लिखने के बाद जे और एच को हम एडजेसेंट में लिख सकते हैं, ना तो एच यहां सकता ना तो एच, फाइनली फाइनली सर एक पॉसिबिलिटी तो आपने उड़ा दी, उड़ा दी, कैसे, एफ यहां नहीं हो सकता। अब बचा मेरे पास एफ या तो ये या तो ये, तीन केस बचे मेरे पास। अब सुनो एफ यहां रखे होते, एफ यहां रखे होते थर्ड लेफ्ट 1 2 3, बी लिखने का कोई तुक ही नहीं क्योंकि बी तो मेरा फेसिंग आउटसाइड है ना, बी तो मेरा फेसिंग आउटसाइड है ना, समझ रहे हो, तो इनसाइड कैसे हो सकता है, तो ये भी हटा दो। अब बचे मेरे पास केवल दो केस, देखो कितने केस बनाए थे, चार पॉसिबिलिटी बन रही थी, बचे मेरे पास दो केस, क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, एफ को यहां रखा 1 2 करके, बी को यहां रखा, बी के एडजेसेंट में के को लिखना था, के को यहां रखा, 1 2 करके जे आ नहीं सकता, रीजन जे और ई एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे, 1 2 करके जे आ नहीं सकता, रीजन जे और एच को हम एडजेसेंट में नहीं लिख सकते, क्या मिला, कंफर्म एफ 1 2 3, बी के एडजेसेंट में के, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या हुआ मेरे साथ यहां पे, समझे, के बाद जे को लिखना था, 1 2 करके जे तो बिल्कुल नहीं आएगा, 1 2 करके जे आ जाएगा, जे के बाद क्या होगा, जे और एच एक दूसरे के एडजेसेंट में थे, एच यहां आ जाएगा, समझ में आया कि हुआ क्या है, कैसे कैसे फिक्स हो गई इतनी पोजीशन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आई होप आ गया होगा सबको, आई होप सबको आ गया होगा। अब कुछ सोचना पड़ेगा यहां पे, एक बात बोली गई थी, एक बात बोली गई थी, के सेकंड लेफ्ट में जो बंदा होगा वो लोअर मोस्ट पे आ जाएगा, तो के है के सेकंड लेफ्ट में, के यहां है के सेकंड लेफ्ट में, जवाब मिल रहा है आप लोगों को, जी सर जी लिख दो आप यहां पे, बस जी लिख दो, खुश हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है क्लियर है। अब लेकिन यहां पे मेरे को केसेस काफी बनेंगे, यहां तक एकदम मैंने फिक्स्ड पोजीशन निकाल ली है,
जब इतना कर लिए थोड़ा बहुत फ्लोर में भी देख लेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, ठंडे दिमाग से, बी एक का गैप दे के डी, ठीक है यहाँ आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, एक का गैप दे के डी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। लेकिन अभी बात बताओ यार हम लेंगे कौन सा, हम डी को बैठा लेंगे कहाँ पे, हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी। तो हमें दोनों केस को समझते हुए चलना पड़ेगा, हर एक एक केस को। लेकिन यहां तक मेरा ये फिक्स्ड है, तो यहां तक मैं कितने फ्लोर के ले सकता हूं इस पेंटागन के हिसाब से, कितनी पॉसिबिलिटी मैं फ्लोर में बना सकता हूं, मैं वो देखूंगा ना। अभी अभी छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो, अब इसके साथ बहुत हमने कुछ कर लिया है। लेकिन डी की पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि डी के बारे में कोई और पॉइंट हमको ज्यादा दिया हुआ नहीं है। डी के बारे में बस इतना बताया बी और डी, डी हमारा आउटसाइड देख रहा है, तो दोनों लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ये भी और ये भी, है ना। और ये भी बताया था आई और डी एक साथ नहीं बैठ सकते, तो भाई ठीक है डी यहां बैठा लो, कि डी यहां बैठा लो तब भी तो आई कहीं ना कहीं तो आएगा ही नहीं ना, समझ रहे हो ना। तो समझते हैं अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कभी भी एच को इस फ्लोर पे लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे सर, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को वॉयलेट करेगा और एच कभी टॉप पे जाएगा नहीं। 0-1 दैट इज नॉट द आंसर ना, कि नीचे -1 में आया आंसर, ऐसा नहीं हो सकता। तो एच यहां लिखेंगे तो वन, 1-1 मतलब के की नीचे कितना फ्लोर होना चाहिए? जीरो। तो जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे के हम लिख नहीं सकते। मेरे पास जो के एच के लिए पॉसिबल प्लेसेस बच रही हैं वो कौन कौन सी बच रही हैं वो हमको देखना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए एच के लिए एक तो ये केस बनेगा, तो एच के ऊपर दो लोग, तो दो में से एक हटा देंगे तो एक, तो के नीचे एक लोग, एक ये बनेगा। एक ये बनेगा कि एच यहां रखा है, एच के ऊपर तीन, तो तीन में से एक जाएगा दो, मतलब एक दो का गैप देके के यहां आ जाएगा, और जी तो मेरा फिक्स होगा। और एक केस बनेगा मेरा एच के साथ ये वाला, एच के ऊपर चार लोग हैं, एक दो तीन चार फ्लोर, चार में से एक जाएगा तीन, मतलब एक दो तीन का गैप करके क्या आएगा? के आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? जी आएगा। इस तक इतने केसेस बनाए, इस तक मैंने इतने केसेस बनाए, बोलो हाँ। उसके बाद एच के दो का गैप देके आई लिखना था, एच एक दो का गैप देके आई, एक दो का गैप देके आई, एक दो का गैप देके आई, सही है यहां तक? कितने केस बनाए मैंने? एक दो और तीन। अप्रोच समझो मेरी, बस यहां पे अपने हिसाब से आप लोग दिमाग दिमाग लगाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसका कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी हो गया, इसका कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी हो गया है। के के सेकेंड लेफ्ट में लोअर मोस्ट, ये भी कोई नीड नहीं है, हो गई है। एफ से सेकेंड लेफ्ट में बी, ये भी हो ही गई है, ये भी हो ही गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और के और एच ये भी मेरी हो ही गई है फ्लोर में, हमने अभी की एफ से। अच्छा और कौन सी मेरी होगी? जे और एच भी हो गई है, लेकिन जे इवन पे होगा ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और क्या हुआ है कुछ? और क्या क्या पॉइंट हो गए देखने दो। एच के थर्ड लेफ्ट में अभी नहीं हुआ है। अच्छा एक बी से रिलेटेड पॉइंट था कि बी के कहीं ना कहीं ऊपर साइड में एफ होगा, एक ऐसा पॉइंट लिखा हुआ था कहीं, कहीं नहीं लिखा है क्या? एक पॉइंट था, देखता हूँ कि जो बी सिट्स एडजेसेंट टू के, बी और उससे बी और एफ किस से रिलेटेड पॉइंट था कि बी के ऊपर कहीं ना कहीं मेरा एफ होगा, ये पॉइंट हमने लिखा नहीं लग रहा है कहीं, बट हमने रीड तो किया था ऐसा पॉइंट, कहाँ लिखा हुआ था देखते हैं। जी एंड बी सिट्स फेसिंग जी सिट्स, ओके एट मोस्ट बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ लिव्स, ये देखो ये वाला पॉइंट, एफ लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव बी, समझ रहे हो ना बात को मेरे, ये वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है, देख नहीं रहा था हमको, अब देखा जैसे ही लाइन रीड की मुझे दिख गया। ये पॉइंट को भी सेटिस्फाई कराते हुए मुझे करना है चीज़ें, तो ये सब चीज़ें सोचते हुए चलनी है अभी हमको। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे मुझे ये कुछ बातें पता हैं सी के बारे में, सी मेरा इवेन पे है, ये भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, और ये बात और पता है, सी और टॉप मोस्ट फ्लोर पे जो बंदा बैठा है उसके बीच में 3 फ्लोर का गैप है, लेकिन याद रखना कभी भी सी यहाँ आ सकता है? नहीं, सी कभी भी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, ये चीज नोट कर लिया। और एच के थर्ड लेफ्ट में एफ के ठीक नीचे वाला बंदा बैठ रहा है, तो क्या कभी एफ के ठीक नीचे वाला बंदा एच के थर्ड लेफ्ट, मतलब ये कभी एफ के नीचे तुरंत एच आना चाहिए? नहीं आ सकता ना। दैट मीन्स कि ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये पॉइंट बताया अपने आप से निकाला कि एफ के ठीक
ठीक नीचे एच नहीं आ सकता ना, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई कराना है, ये बात नहीं हो सकती। तो एफ और एच एक साथ ऐसे नहीं लिव करने चाहिए, ये बात बोली नहीं गई थी। देखो कुछ बातें हिडन थी, हिडन फॉर्मेट में दी हुई थी, उनको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, समझने वाला ये समझो। आगे कहता है सी यानी और सी मेरा इवन पे होगा, या तो सी यहाँ तो होगा यहाँ तो यहाँ होगा, तो हमें दोनों जगह रख के देखना पड़ेगा भाई सी को कि क्या मैं कर सकता हूँ सी के लिए। तो सी के लिए मैंने एक पोजिशन ये निकाली, सुनो सी और बी के बीच में दो का गैप, एक दो का गैप देखिए, बी यहां, सुनना बी यहां ऐसे, लेकिन बी और के एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं हो सकते, साफ साफ बताया था। तो एक दो का गैप देखिए बी नहीं लिख सकते, एक दो का गैप देखिए बी यहां लिखेंगे, जैसे ही बी यहां लिखेंगे बी के ऊपर कहीं ना कहीं एफ होना था, तो मेरे लिए एफ के तो यही पोजिशन बची ना भाई। और टॉप मोस्ट फ्लोर और सी के बीच में तीन फ्लोर का होना चाहिए, सॉरी तीन पोजिशन का वो होना चाहिए, फ्लोर कह रहा था बार बार, इट्स फॉर माई मिस्टेक, फ्लोर नहीं है, सी और टॉप मोस्ट फ्लोर वाले बंदे के बीच में तीन लोग होने चाहिए। तो भैया टॉप मोस्ट पे तो मैंने एफ को बैठा ला, एफ ये रखा हुआ है ठीक है, एफ ये रखा हुआ है ठीक है, एफ 1 2 3 यहां आता हमारा सी नहीं आ सकता, एफ 1 2 3 यहां आता मेरा सी नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि सी की पोजिशन मैंने गलत रखी हुई है, सी की पोजिशन मैंने गलत रखी हुई है, ये वाला पोजिशन भी, ये पूरा मेरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे सी के लिए, जब यहां पे वैलिड नहीं हो रहा है तो सी को कहां रख के देखेंगे, सी को यहां रख के देखेंगे भाई, सॉरी अभी मैंने कहां रखा था सी को, हाँ ऊपर रखा था, तो सी को यहां रख के देखेंगे, एक दो का गैप देके बी को यहां लिखेंगे, सुनते जाना ध्यान से पूरी तरीके से, सुन रहे हो ना, मैंने अभी बताया कि बी के अगर हम ऊपर हम एफ यहां रखते हैं तो हम सी को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सी और एफ के बीच में तब तीन पर्सन बैठने चाहिए, तो हम एफ को यहां लिख पाएंगे, तो एफ को हम यहां लिखेंगे, और एफ के ठीक नीचे एच नहीं हो सकता था, ये बात तो मैंने क्लियरली अभी बोली थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये केस पूरा मेरा गलत है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को ध्यान से, ये केस पूरा गलत है यहाँ पे, ये केस पूरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो मेरे लिए सी के लिए कोई पोजीशन नहीं बच रही, हम यहाँ वाले केस की बात कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें, सी यहाँ नहीं लिख सकते, इस वाली पोजीशन पे सी नहीं आ सकता, रीजन अगर हम इस केस की बात करें, इसको हम देखेंगे बाद में, सी यहाँ इसलिए नहीं लिख सकते, एक दो गैप देखिए बी लिख देना, लेकिन बी और के एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं लिव कर सकते, ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया हुआ है ठीक है। सी के लिए कौन सी अब इवन पोजीशन बच रही है, सी टॉप पे भी नहीं जाएगा, सी कहाँ जाएगा भाई, सी एकदम लाचार बैठा हुआ है, सी के लिए इस पोजीशन में यहाँ जगह मिल रही है, मैंने यहाँ बैठा दिया। सी को लिखने के बाद एक दो का गैप देखिए फिर से बी को यहाँ बैठा लोगे, गलत बात हो जाएगी, ऊपर बैठा नहीं सकते। तो देखो सी तो टॉप पे आ नहीं सकता था, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बात थी इस स्टेटमेंट से, सी मेरा इस जगह पे भी नहीं आएगा इवन पोजीशन पे, और कोई इवन पोजीशन यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो ये केस तो मेरे लिए फिजूल का निकला ना, समझ रहे हो ना बात को ध्यान से, क्वेश्चन 90% सॉल्व हो चुका है, समझते जाना। यहाँ पे यहाँ वाले केस में सी के लिए कहाँ बातें निकल के आएंगी, क्या बातें निकल के आएंगी, चलो हम बनाते हुए चलते हैं, एच आई और के और जी, है ना, बात को समझना यहाँ पे ध्यान से, पूरा आंखें खोल के एक और बना देते हैं कि सी के लिए या तो सी ये आ सकता था, या तो सी ये आ सकता था, या तो सी ये आ सकता था, बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं सी के लिए, तीन केस चाहो तो बना के देख लो, हम समझा रहे हैं तो हम बना देते हैं। देखो हमने हमेशा आप लोगों से यही बोला है ना फ्रेंड्स कि मेरे पास जगह मिलेगी तो मैं पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, जगह है तो बना दो पॉसिबिलिटी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि यार मेरी चीज़ें आप तक पहुँचे, मेरी बातों को, मेरी बातों को फील करते हुए तुम लोग समझो क्वेश्चन को, है ना, तो मैं भी उसी तरीके से कोशिश करता हूँ, बट गाइस सीरियसली बता रहा हूँ लैक ऑफ स्पेस नहीं हो पाता है, बट इसका भी हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा कि व्हाइट बोर्ड मोड से आए, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन ना लो, हम आप लोग के भले के लिए सोच रहे हैं जो भी सोचेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ वाले केस में सी इवेंट पे होना चाहिए, टॉप पे नहीं हो सकता, तो सी एक बार यहाँ हो सकता था, सी एक बार यहाँ हो सकता था, या तो सी मेरा एक बार यहाँ हो सकता था, बोलो हाँ कि ना। यस सर, सी को लिख के बाद दो का गैप देके बी, सी यहाँ एक दो का गैप देके बी को यहाँ लिख सकते थे, सी यहाँ एक दो का गैप देके बी नहीं लिखेंगे, एक दो का गैप देके बी यहाँ लिखेंगे, तो बी के ऊपर कहीं ना कहीं एफ हो रहा था, तो एफ अगर हमने यहां लिखा तो यहां वाले पे ये बातें गलत हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि भैया टॉप मोस्ट फ्लोर पे एफ और एफ और सी के बीच तीन पर्सन बैठने चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, एक दो तीन सी नहीं आ सकता, एक दो तीन सी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये तो बात गलत हो जाएगी। अच्छा देखो सी एक दो करके बी नहीं, तो ये वाला केस तो मेरा रिजेक्ट हो गया, अब ये दोनों केस बचे मेरे हाथ में, अब ये दोनों केस बच रहे हैं मेरे हाथ में,
समझना पड़ेगा भाई बहुत ध्यान से, यहाँ पे समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। देखो आई और डी सॉरी बी और के एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं रह सकते थे, तो मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है सही है चलो। अच्छा जी और आई वाला, इस वाले केस में जरा हमने बैठाने की कोशिश की, जी और आई के बीच में, जी और आई के बीच में देखो दो फ्लोर दिख रहे हैं, तो जी और आई के बीच में दो फ्लोर है, तो एफ और जे के भी बीच में दो फ्लोर होंगे, एफ और जे के बीच में दो फ्लोर होंगे। अरे हाँ कि ना, एफ और जे के बीच में भी दो फ्लोर होंगे, और जे मेरा इवन पे होना था ये भी हमको देखना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जे यहां अगर सोचे होते तो दो का गैप दे के मुझे किसको लिखना था, एफ को, एक दो करके एफ नहीं लिख पाते, एक दो करके एफ, तो मेरा जे यहां नहीं आ सकता, जे यहां नहीं आ सकता। अच्छा जे यहां लिखे होते तो दो का फ्लोर का गैप दे के एफ को लिखना पड़ता, एक दो करके एफ लिख लेते बिल्कुल बन जाता, और अगर जे टॉप पे होता तो एक दो करके हम एफ को नहीं लिख पाते, तो मेरा अल्टीमेटली इस केस में तो जे मेरा यही आ रहा है, एक दो का गैप दे के एफ मेरा यही आ रहा है, और कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ। समझ रहे हो चीजों को क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचें तो कि जी और सी एक दूसरे के जिसमें जी और एफ नहीं हो सकते, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? अरे हाँ भाई ये देखो, ये वाला पॉइंट गलत हो जा रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत हो रहा है, जी और सी वर्टिकली लिखा है, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते थे, मतलब ये वाला जो केस था हमको चेक भी नहीं करना था, इतना फिजूल का हमने टाइम वेस्ट कर दिया, कि जो मैंने सी के लिए बोली जो केस बनाई कि सी यहाँ लिख सकते थे, लिख ही नहीं सकते थे, तो ये भी केस रिजेक्ट हो जाएगा इसमें, मतलब हमने टाइम की वेस्टेज की, यहां मैं कह सकता हूं यहां मैंने टाइम की वेस्टेड की, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे क्यों नहीं ध्यान दिया भाई, जब मैं सी को यहां लिख रहा हूं तो मुझे ये पॉइंट देखना चाहिए था ना कि जी और सी, तो गलत हो गया, गलत बात है। अब बचा तो ये मेरे पास, एक दो करके हमको बी ऐसे लिख सकना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे बी को यहां लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो चीजों को, जी और आई के बीच में दो का गैप है, देखो दो का गैप है, तो एफ और जे के भी बीच में दो का गैप लिखना पड़ेगा, एफ और जे के भी बीच में मुझे दो का गैप लिखना पड़ेगा। तो चलो हमको समझते हुए चलना पड़ेगा भाई, एफ और जे के बीच में भी हमको दो का गैप लिखना पड़ेगा। अच्छा बी है तो एफ के ऊपर ही कहीं ना, एफ जो होगा मेरा ऊपर ही कहीं नहीं कहीं जाएगा, ऊपर ही कहीं ना कहीं जाएगा, तो जे यहां रखा तो जे यहां रखा तो जे यहां रखा तो जे यहां आ सकता था, क्योंकि इवन पे आना था, जे यहां रखेंगे, जे कभी यहां नहीं लिख सकते तो यहां नहीं लिखेंगे। अच्छा जे यहां लिख सकते थे, जे यहां रखेंगे, एक दो करके हम एफ नहीं लिख पाते, समझना, जे यहां तो आएगा नहीं ना, जे तो यही बनेगा ना, और कहीं नहीं बन सकता, और जे को इवन पे ही आना था, यहां पे साफ साफ बोल रखा था गाइस, सर यहां क्यों नहीं लिख रहे, अगर यहां लिखते भाई तो दो का गैप देके मुझे एफ को लिखना पड़ता ना, एक दो का गैप, यहां एफ नहीं लिख पाते तो अल्टीमेटली मुझे जे को यहां लिखना पड़ता, एक दो का गैप देके अल्टीमेटली मुझे एफ को यहां लिखना पड़ता। समझ रहे हो चीजें कैसे मक्खन की तरह चल रही आ रही है। ये हो गया मेरा, ये तो मेरा हो गया सर, इसका मतलब कुछ चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, क्या और कुछ कर सकते थे। अच्छा एच के ठीक थर्ड लेफ्ट में जो बंदा है, एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा एफ के ठीक नीचे वाले फ्लोर के नीचे वाला होना चाहिए, एफ के ठीक नीचे फ्लोर वाला क्या आ रहा है, एफ के ठीक नीचे वाला क्या आ रहा है, सी आ रहा है, कंफर्म सर जी मुझे कंफर्म लोकेशन यहां मिल गई, सर मुझे यहां कंफर्म लोकेशन मिल गई, सी ये रहा, सर मुझे कंफर्म लोकेशन मिल गई, सी ये रहा, सर जैसे ही सी यहां रहा बी एक का गैप देखिए डी यहां आ जाएगा, सर एक ही एलिमेंट बच रहा है आई, आई ये रह जाएगा, सी ये रहा, एक दो तीन का गैप देखिए 3% का गैप डी, टॉप मोस्ट फ्लोर पे डी आ सकता है, या तो फिर एक दो तीन का गैप देखिए टॉप मोस्ट फ्लोर पे कभी जे नहीं आएगा, जे तो यहां है, सर कंफर्म डी यहां आ जाएगा, सर एक बच्चा बच रहा है, सर ई बच रहा है, ई बच रहा है, ई ये हो जाएगा कन, सर मेरे पास ये रहा फाइनल अरेंजमेंट फ्लोर में, ये रहा मेरे पास पेंटागन में, बताओ बताओ कितना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, घुमाऊ क्वेश्चन था, पर देखो किस तरीके से मक्खन की तरह ले गए। एक बार आप लोग खुद से करना, देखो थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, मैंने 2 3 मिस्टेक की यहाँ पे, जैसे मैंने जी और सी को रखने का कोई तुक नहीं था यहाँ पे, तो वहां आपका टाइम बचता, बचता कि नहीं बचता, देखो बचता कि नहीं बचता ना, इस तरीके से करना था, ठीक। क्वेश्चन बताओ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से शेयर किया करो, लाइक किया करो सेशन को, और मॉक टेस्ट से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है ना। चलो टाटा, मिलते हैं, कोशिश करेंगे कल सेशन ले सके, क्योंकि 21 22 सॉरी 20 21 22 थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं क्लास ना ले पाऊँ, बट आप लोग निराश ना होइएगा, कोशिश करूंगा मैं पूरी जान के साथ आपकी क्लास ले सकूँ, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।